अस्त यूक्रेन में फंसे 185 यात्रियों को रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से लेकर एक विशेष विमान बृहस्पतिवार देर रात मुंबई पहुंचा। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान से आए लोगों का हवाई अड्डे पर स्वागत किया। विमान बृहस्पतिवार देर रात 2 बजे हवाई अड्डे पर पहुंचा था। अधिकारी ने बताया कि मुंबई पहुंचा यह चौथा निकासी विमान था। वहीं यूक्रेन में फंसे 210 भारतीय छात्रों को लेकर एक स्पेशल फ्लाइट C-17 शुक्रवार सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची। यह इंडियन एयरफोर्स की स्पेशल फ्लाइट है जो रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट से भारतीयों को लेकर के दिल्ली पहुंची है। मंत्री मनसुख मांडविया ने एयरपोर्ट पर छात्रों का स्वागत किया। दरअसल ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीय युवाओं को देश में लाने के लिए जी जान से सरकार जुटी हुई है। इसके लिए बकायदा 4 मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में यह सुनिश्चित करने के लिए पीएम मोदी ने भेजा था ताकि प्रशासनिक स्तर पर कोई अड़चन न सके। इसी के तहत ऑपरेशन गंगा में कई उड़ानें लगातार देश में भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से लेकर आ रही है। गौरतलब है कि रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट अपने बयान में ये कह चुके हैं कि यूक्रेन के पड़ोसी देशों में 4 मंत्रियों को भेजा गया है। जब तक हर एक नागरिक को नहीं निकाल लिया जाता तब तक भारतीय वायुसेना के विमानों के साथ ही निजी उड़ानें भी संचालित की जाती रहेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार ने अपने नागरिकों के लिए भोजन, टेंट, दवा, कपड़े और कंबल का इंतजाम कराए।